नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आसिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आसिक चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं हम लोग डेटाबेस में। ऐसे जबकि ओरेकल डेटाबेस हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो टेबल स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये कोड है हम लोग का, तो ये टेबल स्पेस क्रिएट करने का कोड है। यहाँ पर क्रिएट टेबल स्पेस नेम डेटाबेस फाइल, यहाँ पर जहाँ पर आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे ये लोकेशन है हम लोग का, तो इस लोकेशन में हमको यहाँ पे देख सकते हैं oracle.dba पहले से ही क्रिएट है। हम लोग को अभी करना है टेस्ट, कोई दूसरा डेटाबेस का हम लोग को ये करना है, मतलब कि टेबल स्पेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे टेस्ट डेटाबेस हमने दिया, यहाँ पे oracle वाले ही फोल्डर में हम लोग को test.dbf, जब भी हम डेटाबेस फाइल करेंगे यहाँ पे टेबल स्पेस बनाएंगे तो .dbf एक्सटेंशन देंगे हम लोग। यहाँ पे साइज ऑटो एक्सटेंडेड और नेक्स्ट, यहाँ पे इतना साइज आप देख सकते हैं, जितना आपका मान लीजिए कि आपके बिजनेस का जो भी डेटा है कितना साइज का, वो साइज़ यहाँ पे आप दे देंगे साइज में। ठीक है, ये कोड है, इस कोड को हम लोग अब रन कराते हैं और टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं। और कहाँ करेंगे हम लोग, SQL परच के विंडो में। यहाँ पे हम लोग सिस्टम यूजर से हम लोग लॉगिन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमने रन कराया और ये मैसेज आ जाएगा कि आपका टेबल स्पेस क्रिएट हो गया, टेबल स्पेस क्रिएटेड। ज़्यादा साइज रहेगा तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे कम साइज़ है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जल्दी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फोल्डर में यहाँ पे मैंने लोकेशन दिया था, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है test.dbf नाम का फोल्ड, ये टेबल स्पेस। तो इस जो भी हम लोग वर्क करेंगे तो इस टेबल स्पेस को हम लोग यूज करेंगे और इसमें हम लोग का डेटा सेव होगा टेबल स्पेस में। ठीक है, तो ये टेबल स्पेस हमने क्रिएट किया। और oracle.dbf जो है वो पहले ही मैंने जब इंस्टॉल किया था तो हमने टेबल स्पेस क्रिएट किया था पहले ही, और ये अभी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए ये कोड है, आप इस कोड को नोट डाउन कर लेंगे और अपने सिस्टम में रन करा के देखेंगे, आप भी टेबल स्पेस क्रिएट करें। ठीक है, साइज़ आपको जितना ज़रूरी हो उतना ही दें। ठीक है, तो ये आपके लिए कोड है, आप इस कोड को लिख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे और जो है कि आप रन करा के देखें, टेबल स्पेस क्रिएट करके देखें। कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें।